पता नहीं, मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीत हुआ जा रहे। हींग सिर्फ और सिर्फ घर के खाने के प्रयोग में नहीं आती है, हींग से आप बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। नजर दोष हो, परेशानियों से मुक्ति हो, स्ट्रेस, कई बार हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, छोटे छोटे बच्चे कई बार बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, जिद करने लगते हैं, बहुत ज्यादा आपको परेशान करने लगते हैं, दूध नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं, छोटे से थोड़े से बड़े हैं तो पढ़ाई नहीं करते हैं, यानी कुल मिलाकर के जब भी किसी बड़ी समस्या को आप झेल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई भी रास्ता हमें नजर नहीं आ रहा है, तो आप हींग का प्रयोग कर सकते हैं। डाइजेशन में सबसे ज्यादा यूजफुल होती है हींग, खास करके कई बार हम कुछ ऐसी वेजिटेबल्स खा लेते हैं जो हमें सूट नहीं करती है, और उसमें कहते हैं कि हींग का अगर तड़का लगा हो तो हमें वो चीज भी सूट करने लगती है। अब आती है बात कि जब हींग हमारे लिए इतनी यूजफुल है तो क्या उसका सही प्रयोग आप तक पहुंचना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली सारी समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे घर के नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे, यानी छोटे छोटे बच्चे जब बहुत ज्यादा आपको रात को खास करके रोते हैं, बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा आप डिस्टर्ब होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके घर में कोई आ जाए तो बच्चे हद से ज्यादा रोना शुरू कर देते हैं और एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है माता पिता के लिए कि अरे अरे आपका बच्चा तो इतना रो रहा है, चलिए हम ही चले जाते हैं। ऐसी सिचुएशन भी कई बार बढ़ती है क्योंकि बच्चे इस कदर होते हैं कि सामने वाले को तो एम्बैरेस करते ही करते हैं, अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा एम्बैरेस कर देते हैं। तो कई बार अगर ऐसी सिचुएशन हो, कभी भी बच्चा इस कदर रो रहा हो कि यहाँ आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है उसका रोना, एक मुट्ठी में थोड़ी सी आपने हींग डाल देनी है, और ये उपाय सिर्फ और सिर्फ माता करे, माँ ये उपाय कर सकती है। थोड़ी सी हींग लेकर के राइट हैंड में बच्चे के सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वारना है उसे, यानी उल्टा वारना है, और ये उपाय आपने 8 बार एंटी क्लॉकवाइज वारना है, और उस हींग को एक उबलते उबलते हुए पानी का एक छोटा सा कटोरा लेकर के उसमें डाल देना है, यानी वो हींग पूरी तरह से एक लिक्विड फॉर्म में बन जानी चाहिए। उस हींग को आपने नाली के अंदर पानी को बहा देना है। ये बहाने के लिए आपने किचन की नाली का प्रयोग नहीं करना है, इसके अलावा आप अपने वॉशरूम में या फिर बालकनी में कुछ नालियां होती हैं, या फिर आपके घर के आंगन से थोड़ा सा बाहर की तरफ नाली होती है तो उसमें भी इस जल को आप डाल सकते हैं। ये उपाय रात को ही करना है, सूर्य अस्त के बाद ही करना है, जल को भी आपने रात से पहले इसे डाल देना, यानी सोने से पहले ये जल आपका डिस्ट्रॉय हो चुका होना चाहिए, आपने फेंक दिया होना चाहिए। अब आती है बात ही, चलिए उससे थोड़े से बड़े बच्चों की तरफ भागते हैं। बड़े बच्चे हैं, हर काम में नजर लग जाते हैं, कई बार बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनकी पढ़ाई छूटने लगती है, कई बार उन्हें बहुत अच्छी बैक टू बैक नौकरियां अच्छी मिल रही होती है, लेकिन ऐसा कुछ नजर लग जाते हैं कि नौकरी ढूंढने ढूंढ ढूंढ कर भी वो नौकरी नहीं पा पाते हैं, और कई बार नौकरी मिल जाती है फिर शादी में दिक्कत आ जाती है, शादी की भी अगर सॉर्ट आउट हो जाती है प्रॉब्लम तो कोई नई डेवलपमेंट, नई अचीवमेंट उनकी जिंदगी में नहीं आती है, यहाँ जहां से शुरुआत जिंदगी हो रही है वहीं पे वहीं अटकी हुई और गोल मोल घूमती जा रही है। भाई इतने मेहनती होते हैं आप, कई बार बहुत ही शिद्दत से ईमानदारी से मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर फल नहीं मिलता है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। हींग लेनी है और हींग को लाल रंग के कपड़े में बांध लेना है, उस कपड़े को इस तरीके से लंबा रखना है ताकि आप उसे ब्रेसलेट के फॉर्म में डाल सके अपनी बाई अपनी लेफ्ट हैंड की कलाई पर।
और ये उपाय करना है कि 7 दिन लगातार आपके हाथ में बंधी रहनी चाहिए वो हींग। और ये उपाय जो बांधने का प्रोसेस है वो आपने सुबह के टाइम पे बांधना है, यानी सूर्य उदय से लेकर के आपने सूर्य अस्त से पहले पहले का उपाय है ये। जब आप इसे उतारे 7 दिन के बाद, वो भी आपने सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त के बीच में ही समय होना चाहिए जब आप इस कपड़े को खोल सकते हैं, और उसके बाद आपने ये कपड़ा ले जाना है और जाकर के आपने पीपल के पेड़ के नीचे रखाना है। लेकिन जब आप इस कपड़े को पीपल के पेड़ के नीचे रख करके आ रहे हैं तो आपने पीछे पलट करके नहीं देखना है, सीधा घर की तरफ आ जाना है। तो हुई सबसे बड़ी समस्या दूर आपकी। अब आती है कि कई बार हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं और लेकिन इंटरव्यू या तो हमारा टाइम आउट हो गया होता है, हमें नहीं मौका मिलता कि हम इंटरव्यू दे सके। कई बार आप बहुत लेट पहुंचते हैं इंटरव्यू में, वो मौका आपके हाथ से निकल जाता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि सामने वाला पर्सन अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा। कई बार ऐसा होता है कि आप पहुंच ही नहीं पाते इंटरव्यू तक। तो कुल मिलाकर के सिचुएशन ऐसी होती है कि नौकरी अपने हाथ से जाती हुई नजर आती है। यानी इंटरव्यू जब आपका क्लिक होगा तभी तो नौकरी की गुंजाइश बनेगी, लेकिन इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाता है लेकिन इंटरव्यू में जो आप बोलना चाहते हैं आपका माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ उल्टा ही आंसर दे करके आ जाते हैं। कुल मिलाकर के आपको आपके मिशन से दूर कर रही है कोई एक ऐसी एनर्जी जो कि पॉजिटिव में कन्वर्ट होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि मेहनत में कोई कमी नहीं है, फाइनेंस में भी कोई कमी नहीं है। आपने उतने ही एफर्ट्स किए वहां जाने के लिए, आपने उतनी ही शिद्दत के साथ उतनी ही मेहनत के साथ आपने तैयारी की है इंटरव्यू को क्लिक करने के लिए, लेकिन कुछ भी ऐसी सिचुएशन नहीं बन पा रही जिससे आपको नौकरी आती हुई आप तक पहुंचती हुई नजर आए। आपने थोड़ी सी हींग लेनी है, उसे काले कपड़े में बांध लेना है, छोटे से काले कपड़े में बांध करके उसे एक पोटली की तरह बना लेना है। जब आप घर से बाहर निकले, अपने दहलीज पार कर ले, तो आपने जैसे ही मेन रोड या एंट्रेंस से बाहर अपने घर की दहलीज से बाहर निकल जाए तो आपने हींग को लेना है, यानी उस काली छोटी सी पोटली को लेना है, उसे अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज बांधना है और पीछे की ओर फेंकते हुए सीधा अपने इंटरव्यू की तरफ बढ़ जाना है। कोई दिन का कोई डे का परहेज नहीं है जब भी आपको इंटरव्यू कॉल हो, क्योंकि इंटरव्यू कॉल जो होती है वो आपके हिसाब से नहीं आएगी, वो सामने वाले के हिसाब से आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। तो इसीलिए जब भी आपको इंटरव्यू कॉल आए आपने जाने से पहले इस उपाय को जरूर करना है, ताकि कोई भी नेगेटिव ऑरा नेगेटिव एनर्जी आपके उस कैंपस के अंदर एंटर ना करे जहां आप एक रोजी रोटी का जरिया ढूंढने के लिए जा रहे हैं। भाई जब हम पॉजिटिव ऑरा के साथ किसी के सामने बैठते हैं तो हमारा इंपैक्ट पहले ही आपके मुंह खोलने से पहले ही पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आपने इस उपाय को करके ही जाना है इंटरव्यू के लिए, ताकि आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से हो और इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्लिक करे और नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अगर नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, बेवजह का स्ट्रेस होता है, बहुत परेशान रहते हैं आप, तो आपने ये उपाय सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन ही करना है। हींग लेनी है और थोड़ी सी हींग लेकर के राइट हैंड से आपने एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर के ऊपर से बांधनी है 8 बार और उसे अपने घर के बाहर की तरफ छींटा करके फेंक देनी है। यानी ये नहीं कि दूसरों के घर में नहीं फेंकिएगा, अपने घर से बाहर, यानी सड़क हो सकती है, पीछे के पैसेज होते हैं घर के पीछे की तरफ जो बहुत स्ट्रीट लेन होती है वहां डाल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा कि दूसरों के घरों की तरफ आप डालना शुरू कर दें तो ये लड़ाई झगड़े का रूप ले लेंगे। कभी भी कोई भी उपाय हमेशा ये ध्यान रखिए कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए किए जाते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए या दूसरों को परेशान करने के लिए किसी भी उपाय का सहारा नहीं लेना चाहिए। आप इस हींग को आपने
मंगलवार के दिन घर से बाहर फेंकना और यही प्रोसेस से फेंकना है जिस तरीके से हमने आपको बताया है। चार मंगलवार लगातार आपने इस उपाय को करना है। यकीन मानिए आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा, आपकी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, आपको सुकून आने लगेगा, नींद अच्छी आने लगेगी और बिना टेंशन की नींद आने लगेगी। क्योंकि जहां टेंशन नहीं होती वहां सुख होते हैं, जहां टेंशन नहीं होती है वहां तरक्की होती है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ हींग का प्रयोग खाने में नहीं करना है, हींग का प्रयोग आपने अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी खुशियों को अपने तक लाने के लिए करना है और अपनी तरक्की को बुलावा देने के लिए भी आपने हींग का ही प्रयोग करना है। मेरी इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर करना है और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और मेरी अगली वीडियो का आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।